एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल होम कुक सीक्रेट्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन स्ट्रीट फूड रेसिपी जो सबको बहुत ही पसंद आती है। तो बनाएंगे आज हलवाई के स्टाइल में आलू मटर के बहुत ही स्वादिष्ट समोसे, जो आपने ऐसे पहले तो कभी ना बनाए होंगे और ना ही कभी खाए होंगे। ये रेसिपी फॉलो कर रहे हैं हम NCR के एक बहुत ही फेमस हलवाई शॉप की। तो चलिए देखते हैं समोसे बनाने के लिए हमें किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपको समोसे की शीट बनाने के लिए उसके डो के इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। यहाँ हमने 300 ग्राम मैदा लिया है और जिसे हमने अच्छी तरह से छान लिया है। और हम इस्तेमाल करेंगे नमक, अजवाइन, मोन के लिए देसी घी और आटा गूंदने के लिए पानी। तो चलिए आटा लगाना शुरू करते हैं। डो को बनाने के लिए इसमें हम 1/2 टीस्पून जितना पहले नमक डालेंगे और फिर उसके बाद डालेंगे 1/2 टीस्पून जितना अजवाइन, और उसके बाद में हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच देसी घी। इससे हमारे समोसे की परत एकदम बढ़िया और खस्ता बनेगी। अगर आप मोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके समोसे तलने के बाद में उसमें बबल्स आ जाएंगे और टेस्ट में भी थोड़ा सा फ़र्क रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देसी घी का मोन ना डालना चाहें तो आप रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक टाइट आटा गूंध लेंगे। सबसे पहले हम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला लेंगे। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस तरह से इसे टाइट करके बांध के देखेंगे कि ये अच्छे से मुट्ठी बन जानी चाहिए और ये आटा जो है ये घी के साथ में जुड़ जाना चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, एकदम सारा पानी नहीं मिलाएंगे क्योंकि हमें बहुत सॉफ्ट आटा नहीं गूंदना है। समोसे दो तरह के होते हैं फ्रेंड्स, एक जो बीकानेर पे हल्दीराम पे मिलते हैं उनकी जो परत होती है बाहर से वो बहुत ही हार्ड होती है, जैसे आप मट्ठी खाते हैं, मट्ठी के टेक्सचर के समोसे होते हैं। लेकिन जो हलवाई की दुकान पे मिलने वाले समोसे होते हैं वो खस्ता भी होते हैं और साथ के साथ उनकी जो परत होती है वो काफ़ी नरम भी होती है। तो हम हलवाई के स्टाइल के बना रहे हैं तो हमें हद से ज़्यादा टाइट आटा नहीं गूंदना है। इस आटे को गूंदने के लिए हमने ये वाला कप पूरा पानी का इस्तेमाल कर लिया था। उसके बाद हमने मामूली सा पानी और लिया है जिससे कि हम इसे अच्छे से फाइन टच दे सकें। ये हमने 2 चम्मच पानी जितना और ऐड कर लिया है और इस सारे आटे को गूंद के हम कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए अलग रखेंगे। ये आटा हमारा तैयार है और इसे हमने बहुत अच्छी से 5 मिनट तक जोर देते हुए लगातार गूंदा है। आटा अच्छा गूंदा हुआ होगा तो आपके समोसे बहुत अच्छे बनेंगे। अब इस आटे को हम अलग रखेंगे और इस पर हम प्लेट ढक के 20 मिनट बाद समोसे बनाएंगे। तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे 6 से 7 बड़े साइज के आलू को 4-5 विसल लगा के प्रेशर कुकर के बॉईल कर लिया है। छिलका उतार के कम से कम आधे घंटे के लिए इसको ठंडा होने दें और गरम गरम आलू का इस्तेमाल स्टफिंग के लिए ना करें, क्योंकि गरम आलू इस्तेमाल करने से आपकी स्टफिंग में पानी भर जाएगा। और उसके बाद में हमने लिया है मटर। मटर का इस्तेमाल हमने बहुत ही कम किया है क्योंकि बेसिकली समोसे में आलू की स्टफिंग से ही ज़्यादा टेस्ट आता है और बाकी का सारा कमाल आलू के मसाले में होता है, इसकी खुशबू में होता है। हम इस्तेमाल करेंगे हींग का। गार्निश के लिए हम इस्तेमाल करेंगे स्टफिंग के अंदर हरा धनिया पत्ती, 2-3 चिली फ्लेक्स। यहाँ हमने 2 हरी मिर्ची को बारीक टुकड़ों में कर लिया है, 1 अदरक के टुकड़े को हमने कद्दूकस किया है। यहाँ हमने 1/2 टीस्पून हम साबुत धनिया का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम क्रश करके दरदरा कूट लेंगे। 1 कटोरी हमने पनीर के बारीक क्यूब्स कर लिए हैं, इसे हम गरम तेल के अंदर डीप फ्राई करेंगे। फिर हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच काजू, ये काजू को हमने छोटे आकार में कर लिया है। भुना जीरा पाउडर, अनारदाना। स्टफिंग को छोंकने के लिए हम रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही में हमने डीप फ्राई के लिए भी रिफाइंड का इस्तेमाल किया है। और मसाले में लिया है नमक, आमचूर पाउडर, जीरा, गरम मसाला, सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर और सॉरी हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है, ये गलती से आई है। और चलिए समोसे की स्टफिंग को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आलू को हाथों की मदद से ही अच्छे से फोड़ लेना है, इसे ग्रेट नहीं करेंगे और इसके थोड़े छोटे छोटे टुकड़े हम हाथ से ही फोड़ करके कर लेंगे, क्योंकि आलू का मसाला दरदरा और मोटा होता है, फाइन पेस्ट नहीं होता। इस तरह से हमने सभी आलूओं के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। यहाँ हमने पनीर के क्यूब्स को भी डीप फ्राई कर लिया है, इस तरह से छन्नी में डाल के इन क्यूब्स को हम तेल में छोड़ेंगे।
और पहले से ही हमने कुछ क्यूब चार रखे थे और इन्हें हम निकाल के अलग करेंगे। इससे स्टफिंग में बहुत ही डिलीशियस टेस्ट आता है। ये इस तरह से हमें इनको अच्छे से ब्राउन कर लेना है। स्टफिंग को बनाने के लिए एक पैन के अंदर हम अच्छे से ऑयल डाल लेंगे। कम से कम हम एक करछी ऑयल डालेंगे, स्टफिंग में तेल ज़्यादा लगेगा। ये चम्मच के हिसाब से 4 टेबलस्पून ऑयल हमने इस्तेमाल किया है। सबसे पहले डालेंगे इसमें हींग। यहाँ हमने एक चुटकी जितनी हींग इस्तेमाल की है। इसको डालते ही हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। ये 1 टेबलस्पून जीरा है। फ्लेम को एकदम लो रखेंगे, अच्छे से जीरे को क्रैकल होने देंगे और इसके बाद में डालेंगे काजू। काजू को हमने पीसेस में कर लिया है। साथ में डालेंगे 1 चम्मच जितना साबुत धनिया दरदरा कुटा हुआ। इसके साथ ही हम यहाँ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, देगी मिर्ची। इससे स्टफिंग को बहुत ही अच्छा कलर मिलेगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसके बाद में डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स। अब डालेंगे हम इसमें अदरक। अदरक डालने के बाद में हम इसमें डालेंगे मटर। मटर को अच्छे से घी में तेल में भूनने देंगे। साथ ही साथ डालेंगे हम इसमें अनारदाना। ये 1/2 टीस्पून जितना अनारदाना हमने इस्तेमाल किया है। हम डालेंगे इसमें 1 बड़ी कटी हुई हरी मिर्च। आप इसे अवॉइड कर सकते हैं अगर आप तीखा कम खाएं तो। मटर को हम 1 मिनट के लिए भूनने देंगे मीडियम फ्लेम पर। वैसे ये बॉईल किए हुए मटर हैं, फ्रोजन मटर का इस्तेमाल हुआ है और ये ऑलरेडी बॉईल मटर हैं। इसके बाद में हम डालेंगे हमारे मैश किए हुए पोटैटोस और अब हम इसमें सभी मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे नमक। यहाँ पे हमने एक अच्छे से भर के 1 टीस्पून नमक लिया है। हम और 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और बाद में स्टफिंग को टेस्ट करके भी देखेंगे, कम रहेगा तो नमक को बढ़ा सकते हैं। यहाँ हमने 1/2 टीस्पून जितना लाल मिर्ची पाउडर इस्तेमाल किया है। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर। क्योंकि हम अनारदाना डाल चुके हैं इसीलिए हम अमचूर का इस्तेमाल कम करेंगे। ये 1 टीस्पून जितना अमचूर पाउडर है। और अब हम इसमें डालेंगे पूरा 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू मिलती है मसाले को। और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। और अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिला के 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। ये हमारी बहुत ही लाजवाब स्टफिंग बनकर के तैयार हो चुकी है और इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इसमें डालेंगे हरा धनिया पत्ती और अब हम इसमें डालेंगे पनीर और इन सभी चीज़ों को मिलाते हुए हम 1 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ताकि पनीर और आलू के मिश्रण में सभी चीज़ें बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। हमारी ठंडी हो चुकी है और अगर आप हमारे स्टेप से हमारी रेसिपी से स्टफिंग को बनाएंगे तो आप यकीन करें आपको बाहर के समोसे भी अच्छे लगने बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये स्टफिंग बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। इसमें मेन जो खुशबू और जो जायका है वो अनारदाने और साबुत धनिये की वजह से। बनाने के लिए हम इस डो को लंबा बेल लेंगे और बराबर आकार के गोले इससे अलग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतली शीट्स नहीं बनानी है, पतली शीट्स के समोसे फट सकते हैं। ये इस आकार के हमने इसके गोले अलग कर लिए हैं। बड़े साइज के समोसे हम बनाने वाले हैं, आप चाहें तो छोटे आकार के भी बना सकते हैं। अब इन्हें हम बेलना शुरू करेंगे। बेलन के ऊपर मामूली सा तेल लगा के ग्रीस करेंगे
अगर आप इस तरह से ना बेल पाए तो आप हल्का सा सूखा आटा लगा के भी समोसे बेल सकते हैं। इस पेड़े को अच्छी तरह से गोल कर लेंगे और अब हम इसे बेलना शुरू करेंगे। इस प्रकार से ये देखिए हमने बहुत ही बड़े आकार के ओवल शेप के दो रोल बेल लिए हैं और अब हम इन्हें बीच में से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इस तरह से। और अब हम इसे फिल करने के लिए एक एक करके इसे फिल करेंगे। सबसे पहले समोसे की पत्ती पर चारों तरफ पानी का एक हल्का हाथ लगाएंगे इस तरह। और अब हम इसमें फिलिंग भरेंगे। इसे हथेली के बीच में लेते हुए इसका सबसे पहले हम एक कोन देख के यहाँ सेंटर से चिपकाएंगे। और अब इस कोन के अंदर हम फिलिंग भरेंगे। ये देखिए बड़े आकार के समोसे दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और आप चाहें तो छोटे भी बना सकते हैं। इस तरह से फिलिंग को भर देंगे और हाथों से अच्छे से प्रेस कर देंगे। इस साइज के अंदर 2.5 चम्मच फिलिंग हमारी आ जाएगी। फिलिंग को हमने अच्छे से अंदर प्रेस कर देना है और ये लाइन वाली परत के ऑपोजिट साइड पे हमने एक प्लेट डालनी है इस तरीके से। और यहाँ पे हम इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे और दोनों साइड्स को हम अच्छे से मिला देंगे। अगर आप प्लेट डालने में असमर्थ रहे तो आप प्लेट को अवॉइड करके डायरेक्ट भी दोनों सिरों को मिला सकते हैं। ये इस तरह से हमारा समोसा बन करके तैयार है। ये पीछे से भी आपको दिखा सकते हैं। ये इस तरह से प्लेट आने के बाद में समोसा जब हम रखेंगे तो ये अच्छी तरह से टिक जाएगा। इस तरह से सभी समोसे बना के तैयार करेंगे। ये एक बार और हम आपको करके दिखा देते हैं इस तरह से। यहाँ पे हमें प्लेट डालनी है, हल्का सा एक मोड़ देंगे और यहाँ पे प्रेस कर देंगे। प्रेस करते ही हम दोनों एंड पॉइंट्स को मिला देंगे। ये हमारा समोसा बनकर के तैयार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से सभी समोसे को बना के हम मीडियम हॉट ऑयल के अंदर अब इन्हें डालना शुरू करेंगे। यहाँ हमारे समोसे बंद हो चुके हैं, तैयार है और अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। कढ़ाई में ऑयल को हमने गर्म ही रखना है लेकिन बिल्कुल सिम गैस के ऊपर समोसों को तलेंगे। अगर तेज गैस पे आप इन्हें तलेंगे तो इसमें बबल्स आने का डर रहता है। एक बार में 2 से 3 समोसे डालेंगे, इससे ज़्यादा समोसे कढ़ाई में जाके फट भी सकते हैं। हल्की आंच पर कम से कम 10 से 12 मिनट तक हम इन्हें पकाएंगे और उसके बाद में इन्हें सर्व करेंगे। देखिए हमारे दूसरी बार के समोसे भी अब तल चुके हैं, बहुत करारे हो चुके हैं। अब इन सभी समोसों को हम सर्व करेंगे। ये देखिए हमारे समोसे सभी बनकर बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। ये बिल्कुल हलवाई की तरह क्रिस्पी बाहर से और अंदर से बहुत ही खस्ता बन के तैयार हुए हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और होम कुक सीक्रेट्स को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और अच्छी स्ट्रीट फूड रेसिपी के साथ हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।